हम बलाघात और सुरलहर में अंतर समझेंगे। बलाघात को इंग्लिश में स्ट्रेस और सुरलहर को इंटोनेशन कहते हैं। बलाघात किसी शब्द के उच्चारण के समय किसी अक्षर विशेष पर बल देने को कहते हैं। इसे स्वराघात या आघात भी कहते हैं। बलाघात के तीन भेद होते हैं, वर्ण या अक्षर बलाघात, जहां किसी अक्षर पर जोर दिया जाता है, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। वहीं सुरलहर किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य में बनी ध्वनियों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को कहते हैं। इसे अनुतान भी कहते हैं। सुरलहर के दो भेद होते हैं, शब्द सुरलहर और वाक्य सुरलहर। बोलते समय जब हम किसी शब्द के किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो उसका अर्थ या उच्चारण स्पष्ट होता है। जैसे इंद्र विष्णु शब्दों में संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर बल दिया जा रहा है, ई पर और वी पर, और शब्द बलाघात से अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे अच्छा शब्द का उच्चारण करते हैं तो अच्छा शब्द का उच्चारण करने में ये अच्छा आदमी है ये बोलना, और आदमी अच्छे होते हैं, इन दोनों में अंतर हो जाता है अर्थ का। तो इसका क्या है, शब्द का उच्चारण उसके स्थान में और उसके प्रयोग से स्वीकृति विरोध या प्रतिशोध का पता चलता है। वाक्य सुरलहर से अर्थ का भेद हो जाता है, जैसे कि इसमें शब्दों का क्रम बदल जाता है। कौन करेगा उदाहरण के लिए लिया गया, कौन करेगा, इसमें प्रश्न है कि कौन करेगा। दूसरा में हम अगर कहेंगे करेगा कौन तो ये निषेधात्मक शब्द हो जाता है। तो एक ही शब्द को विभिन्न अनुतानों में उच्चारित करने से उसका अर्थ एक जगह स्वीकारात्मक होता है, एक जगह निषेधात्मक हो जाता है।